एक बात से शुरुआत करना चाहती हूँ जो इस सरकार के वो बहुत हाँ कोई बात नहीं अब हो गया सबसे बात नहीं मानेंगे रार नहीं छेड़ेंगे सुना है किसने कहा था ये जी हाँ तो हम अब ये इस सरकार को चूंकि ये शायद भाषा ज़्यादा अच्छी समझ में आए हम लोग इस बात को कहने के लिए आपके सामने आज उपस्थित हैं कि हम तो बात नहीं मानेंगे रार नहीं छेड़ेंगे मतलब ये कि आपने हमें 23 साल तक और जब मैं आप कहती हूँ मैं सभी राजनीतिक दलों को उसमें संबोधित करती हूँ कि 23 साल से आप हमें इस बात को की सांत्वना देते रहे हैं कि आप देश का निर्माण करिए आप परिवार बनाइए आप पढ़ाई करिए बेटी को भी बचाइए ये भी कहीं ना कहीं अब बात आ गई है और साथ साथ में आप जो लोकतंत्र के निर्माण में है वो उसमें अपनी भूमिका अदा करिए मतलब है कि आप वोट दीजिए और वो भी बात अब महिलाओं को खूब अच्छी तरह समझ में आ गई है क्योंकि आपको मालूम होगा कि आंकड़े बताते हैं महिला जो हमारी जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हमें बताते हैं कि पिछले चुनाव में जो 2014 का चुनाव था महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट दिया शायद आपने इस पर बहुत रिपोर्ट भी किया सब लोगों ने और दूसरी जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वो कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए उसमें ना सिर्फ महिलाओं ने ज़्यादा संख्या में वोट दिए बल्कि उनका एक डिसिसिव वोट था खास निर्णय लेके महिलाओं ने वोट दिया कि वो चाहती थी कि हमारी सुरक्षा के लिए जो वायदे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। अब देश की महिला फिर से चुनाव में जाने वाली पूरा देश जाने वाला है पर महिला फिर से उस फैसले की कगार पर खड़ी है देश की जिसमें कि वो ये तय करने जा रही हैं कि हम अपने वोट को किस तरह से उसका उपयोग करें और अब ये कहते हैं ना परीक्षा में जब हमारा कितना नंबर किस चीज़ में आया क्या काम हमने अच्छा किया क्या करा तो रिपोर्ट कार्ड को प्रेजेंट करने का टाइम है हालांकि हमारा माहौल थोड़ा बदला हुआ है और मैं सैनिकों की याद भी आज करना चाहूँगी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और अभी तक देते चले जा रहे हैं लगभग रोज़ कोई ना कोई घटना में कोई ना कोई हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और हमारा पूरा देश इस समय इस बात के लिए उद्वेलित है कि हमारे देश की रक्षा हो और जो लोग हमारे देश के साथ छेड़खानी कर रहे हैं जो लोग जितने आतंकवादी आसपास हैं हम उनको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे उनको नहीं छोड़ेंगे इस तरह की सब बातें आज आपके सामने हैं और हम सब लोग एक मत हैं कि हमारा सबसे पहले देश सुरक्षित होना चाहिए चाहे वो महिला हो पुरुष हो बच्चे हो राष्ट्रहित देश की सुरक्षा ये सर्वोपरि है इसमें कहीं कोई हम लोग के मन में कोई दुविधा नहीं है ना लेकिन साथ साथ में जब हम देश के चुनाव के लिए जाते हैं तो अगले 5 साल के लिए सरकार चुनने वाले हैं और उस सरकार के चुनाव के समय आज महिला निर्णायक वोट देने जा रही है ये मेरा मानना है क्योंकि मैं पूरे देश में लगातार कई राज्यों में गई हूँ कई जिलों में गई हूँ और लगातार जब मैं घूमती हूँ तो उस समय अपने कार्यक्रमों में जाती हूँ तो वहाँ पर हमें पता है कि महिला इस समय निर्णायक वोट दे ये चुनाव पहला चुनाव हिंदुस्तान का होगा जिसमें महिलाओं का वोट निर्णायक होगा लेकिन 3 बातें जो कि नहीं हुई हैं और जिनके संबंध में शायद महिला का निर्णय क्या होगा ये आप स्वयं अनुमान लगाएंगे या जो राजनीतिक दल लगाएंगे एक बात कि महिलाओं की सुरक्षा पर कोई भी जो सशक्त कदम उठाने की बात थी वो कहीं किसी भी राज्य में चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो मैं फिर कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ किसी भी पार्टी की सरकार हो महिला की सुरक्षा की व्यवस्था में कोताही बरती गई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरह का पूरा एक निर्णायक प्रबंध होना चाहिए था वो नहीं हुआ है इसकी वजह से रेप 3 गुना बढ़ा है महिला की पारिवारिक हिंसा की जो रिपोर्टिंग है पूरे देश में वो दुगनी हुई है और इसी तरह से और तमाम आंकड़े अगर आप देखते चले जाएंगे तो महिलाओं पर हिंसा देश के अंदर बढ़ी है दूसरी बात जो निर्णायक होगी वो ये कि पढ़ी लिखी महिलाओं का रोजगार वैसे तो 10% महिलाएँ रोजगार के क्षेत्र से बाहर हुई हैं पिछले 10 साल में मैं 5 साल की बात नहीं कर रही हूँ पिछले 10 साल में 10% वुमेन आर आउट ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया वी हैव द लोएस्ट डेटा ग्लोबली वी आर द 3rd lowest कंट्री नीचे से अगर आप जाएं तो 3rd सबसे नीचे के देश हैं जहाँ महिलाएं इस समय कार्य के क्षेत्र में लगी हुई हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच में बेरोजगार बढ़ा है ये आंकड़े बता रहे हैं मैं कोई आपके सामने नई बात नहीं कह रही हूँ आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के रोजगार में पढ़ी लिखी महिलाओं के रोजगार में लगातार गिरावट हुई है और ये गिरावट अब उस दिशा में इंगित करती है कि लड़कियों के पढ़ाने के पीछे जो पहले एक मंशा थी क्यों पढ़ाएं इतना खर्चा क्यों करें
और माँ बाप को था दहेज में तो देना ही पड़ेगा, पढ़ाई में भी खर्च क्यों करें, तो वो वाली मानसिकता में फिर से कहीं देश न चला जाए। और तमाम लोग जो उत्साहित हो कि अपनी बच्चियों को पढ़ा, खासतौर से मैं छोटे शहरों की बात कर रही हूँ जहाँ पर की महिलाओं की, पढ़ी लिखी महिलाओं का बेरोजगार बढ़ा है। और तीसरी बात, महिलाओं के लोकतंत्र के निर्माण में जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो लगातार कम हुई है, वोट ही राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। प्रतिनिधि हम लोगों ने पूरी, सब लोग एक एक कॉपी उठा ले तो शायद अच्छा रहेगा, एक बार खड़े हो जाइए, मैनिफेस्टो हम रिलीज कर रहे हैं आपके लिए। विमेन भी शामिल है, मैन भी शामिल है, मतलब कि 11 पॉइंट के जो हमारे ये जो हमारी मांग है, पहली बार, पहले भी हमने मैनिफेस्टो बनाया है, हमने महिलाओं के हर चुनाव में, पिछले 3 चुनावों से लोकसभा चुनाव में हम लोग मैनिफेस्टो बनाते आए हैं। लेकिन इस मैनिफेस्टो की खासियत ये है कि ये पूरे देश के तमाम संगठनों की अपेक्षाओं और उम्मीदों को आपके सामने लाके रखता है, और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको रिलीज कर रहे हैं। ये सारे दलों के जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसके पास ये भेजा जा चुका है, उन लोगों के हाथ में ये है कि ये 11 मांग देश की महिलाएं रख रही हैं। और इन 11 मांग में ये भी शामिल है कि जो शांति प्रक्रिया है देश के अंदर, जो इस समय सारी माहौल चल रहा है, शांति प्रक्रिया बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। और मैं आपको सिर्फ 11 मूल बातों को बता देती हूँ, फिर आप सबके हाथ में ये पहुँचेगा, और जिस तरह की राजनीतिक दलों के हाथ में ये पहुँचा हुआ है तो उस पूरे 11, उसके बाद मैं अपने सारे साथी महिला लोगों से कहूँगी कि वो अपनी बात कहें। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आंकड़े हैं वो आप सबके लिए सामने हैं, और ये हम नीति आयोग से लेकर के और तमाम जो पब्लिकेशन है, जो ऑथेंटिक पब्लिकेशन, ये फेक न्यूज़ वाले आंकड़े नहीं हैं, ये वास्तविक आंकड़े हैं जो आपको पहले पेज पर ही मिल जाएंगे, मुझे लगता है आप सबके हाथ में होगा, प्लीज़ इनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप इसको लेके देश को जानकारी देंगे तो जो हमारे शासन में बैठे हुए नीति निर्माण करने वाले लोगों ने 5 साल में हमारी महिलाओं के साथ जिस तरह से भेदभाव रखा है और जिस तरह से महिलाओं को वास्तव में वो सब कुछ नहीं मिला जिसका वायदा किया गया था, तो ये आंकड़े आपको स्वयं ही बता देंगे कि किस तरह से महिलाएं पूरी तरह से पीछे पिछड़ती चली जा रही हैं और बहुत खास अचीवमेंट नहीं है। दूसरी बात, हेल्थ सेक्टर में जो हमारे देश का स्वास्थ्य का बजट है वो दुनिया के तमाम देशों के स्वास्थ्य के बजट से बहुत कम है, और ये बात 4% हमारी GDP का, मतलब कि हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्ट है उसका 4% कम से कम हमारे इसमें जाना चाहिए, जो स्वास्थ्य के सवाल पर जाना चाहिए था, जिसकी वजह से सबसे बड़ी बात देखिए, फ्री सैनिटरी नैपकिन का आपके इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसी कमरे में हमने कहा था कि हम लोग उस समय जेटली जी से मिले थे जब वो पहला बजट, दूसरा बजट जी इसके GST की बात कर रहे थे, हम लोगों ने कई लाख सिग्नेचर करा के उनसे आग्रह किया था कि आप इसको GST से बाहर रखिए, अंत में किया गया, लेकिन बहुत सारी बातों के बाद जब दुनिया के लोगों ने देख लिया कि पैडमैन वो जो पीरियड वाली जो पिक्चर थी वो देखने के बाद पूरी दुनिया से जब सब जगह से दबाव आया कि ये क्या है, तब जाकर के उसको GST से बाहर निकाला गया, 0 GST में डाला गया, अभी भी लेकिन कंपनियां उस बात को नहीं मान रही हैं। उसी तरह से हेल्थ प्रोफेशनल की ट्रेनिंग की बात, और सबसे ज़्यादा जो बच्चा जनने में महिलाओं की मौत हो रही है, दैट इज़ दी मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट जिसको बोलते हैं, वो इस समय हमें कम करने की ज़रूरत थी और वो इस समय भी कम नहीं हुआ है। तो ये आंकड़ा, इसलिए हेल्थ सेक्टर में हमारी मांग है कि 4% यूनियन बजट का टोटल जो हमारा GDP है उसका 4% खर्च किया जाना चाहिए। एजुकेशन के मामले में भी फिर हम लोगों ने अपनी राय रखी है कि जो सबसे बड़ी बात वो है कि 100% लिटरेसी की जहाँ तक बात थी कि जो योजना बनी थी, अभी तक भी लड़कियों में वो बात पूरी नहीं हुई है जिसमें कि वो 100% लिटरेसी में लड़कियाँ आई हों। फिर हम लोग और तमाम और मांगे हैं, मैं सारा नहीं पढ़ के समय आपका नहीं लूँगी। इक्वालिटी फॉर वेमेन इन लेजिस्लेशन जो हमने मांग की, जो कानून है उनमें भी अभी भी लतिका सरकार की कमेटी आज से 30 साल पहले बनी थी और उन्होंने ये बात कही थी, प्रोफेसर रहीं लॉ कॉलेज की और वो बहुत एमिनेंट फेमिनिस्ट थी, यहाँ की वेमेन एक्टिविस्ट थी, उन्होंने महिला आयोग की बनी कमेटी के द्वारा 30 साल पहले ये बात कही थी कि तमाम ऐसे कानून हैं आज भी हमारी तमाम ऐसे को उसको ख़त्म किया गया है। आपने देखा होगा कि इस सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिडंडेंट हैं उनको ख़त्म किया, लेकिन महिला से संबंधित तमाम ऐसे कानून हैं जिनको कि कानून की किताब से या तो वो विभेद करते हैं, वो कानून न्याय नहीं देते हैं महिलाओं को, या फिर उन कानूनों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कानूनों को हटाए जाने की बात थी, पूरी लिस्ट है, अगर आप चाहेंगे तो उपलब्ध कराई जाएगी आपको, वो ख़त्म किया जाए। उसी तरह से जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए,
ये बात वर्मा कमीशन के समय आई थी लेकिन उस बात को उन्होंने सामने नहीं रखा है। उसी तरह से हम लोगों ने मांग की है कि बार बार दबाव बनता है कि दहेज के कानून को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, थोड़ा उसका असर कम किया जाए। लेकिन हम लोग की मांग है कि जो कानून है आज उसका असर दिखता है, इसलिए दहेज के कानून में कोई डाइवर्शन नहीं होना चाहिए। और ये आने वाले सरकार ये वायदा करे जो लोग चुनाव में जा रहे हैं इस तरह के। उसी तरह से लीडरशिप एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में फिर भी हम 50% मांग रहे हैं सीटें, 8% सीटें मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कहां से औरतें जीत के आएंगी जब सीट ही नहीं दे रहे हैं। इस बार कम से कम 33% सीटें राजनीतिक दल जो चीख चीख के बोल रहे हैं कि हम तो ये बिल पास करेंगे जब हम आएंगे, और कुछ लोग हैं जो चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने चर्चा ही नहीं की इस बिल पर। सरकार में 2/3 बहुमत होने के बावजूद भी टेबल नहीं किया बिल को। वो दो हर तरह की राजनीतिक दलों से हम लोग यही मांगे कि आप कम से कम 33% सीटें दीजिए। उसी तरह से जेंडर बजटिंग की बात बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, वो वापस आनी चाहिए और हम लोगों को कम से कम 1/3 बजट महिलाओं पर खर्च करना चाहिए। और ये वायदा इस समय जो चुनाव में जा रहे हैं वो लोग करें। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात भी हम लोगों ने इसमें कही है, और साथ साथ में हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनका एक बार इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। हम लोग योजनाएँ तो रोज़ एक नई योजना अनाउंस होती है, एक रोज नया, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि उसका असर क्या हुआ, सचमुच महिलाओं और बच्चियों की ज़िंदगी बदली है कि नहीं बदली है देश के अंदर। इसकी भी मांग की है कि एक कमेटी बनाई जाए जो नीति, चाहे आप नीति आयोग के तहत ही बनाइए लेकिन एक पूरी देश के तहत तौर पर होना चाहिए। एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा दिल्ली में हम लोग सब जहरीली हवा में जी रहे हैं। इस बार का जाड़ा बड़ा अच्छा था, खूब पानी बरस गया बीच बीच में, तो सब लोगों को चैन की सांस मिली है। शायद हम लोग स्वस्थ और जीवित इसलिए भी हैं कि थोड़ा बहुत भगवान का भी हम लोग के साथ रहा और पानी बरसा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट पर कुछ नहीं हुआ और हमें ये लगे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आज देश में कुछ एक तरह की हताशा भी मुझे देखती है खासतौर से नौजवानों में, उनको लगता हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये माहौल बदलना चाहिए और एनवायरनमेंट को हमको प्रायोरिटी की लिस्ट में लाना चाहिए। जो अगली सरकार बने, जो लोग भी चुनाव जीत कर आएँ, वो एनवायरनमेंट को निश्चित तौर पर आने वाले समय में सबसे ऊपर, जैसे दुनिया में इस समय है, सबसे ऊपर की लिस्ट में रखा जाना चाहिए। और जो सोशल स्कीम वगैरह जो मार्जिनलाइज, हम लोगों ने बार बार ये मांग की है कि जो मार्जिनलाइज सेक्टर की महिलाएं हैं और ख़ास तौर से जो इस तरह के वर्ग की महिलाएं हैं, जो लोग की पिछड़े वर्ग की हैं, दलित वर्ग की हैं, जनजाति वर्ग की महिलाएं हैं, इनके लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनना चाहिए। नीति आयोग की तरफ से ये नीति की मांग की जाए। हम दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और हमसे कम 10 गुना ज़्यादा चाइना के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ऐसे में युद्ध का माहौल बनाना सरासर गलती है और ये सरासर गलती को हम लोग को महिलाओं को सामने ला करके शामिल करके ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल गलत होगा, पूरे ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। साउथ एशिया में शांति बनी रहे ये जिम्मेदारी भारत की है, साउथ एशिया की शांति की। और मैं इसमें आप 1000 हमसे प्रश्न, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ कि जब हम लोग इन बातों को कहते हैं तो लोगों को इस बात को, लेकिन साउथ एशिया में शांति बनी रहे ये जिम्मेदारी भारत की है। किसी भी तरह का टेररिज्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके पूरी तरह से सारे महिला समूह सामूहिक रूप से इसके खिलाफ हैं, लेकिन किसी भी तरह के युद्ध की काम की मानसिकता बनाना अपने आप में बहुत भारी भूल होगी ऐसे माहौल में, जबकि हम लोग इतने खतरनाक तरह के जो भी संसाधन हम दोनों देशों के पास हैं और तमाम और बॉर्डर पे बैठे हुए चीन के पास हैं। ऐसे में विमेन को आगे ला के, महिलाओं को आगे ला करके पीस प्रोसेस, मुझे लगता है कि हमारे विदेश मंत्री ने, मैं वो बात भी यहाँ मेंशन कर दूँ क्योंकि मैंने पूरी स्पीच देखी और पढ़ी है, कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी। शायद उन पर अगर हम ढंग से पूरी आने वाली सरकारें जो हैं उस तरह की बातों को करें और उस तरह की शांति का माहौल बनाने की बात करें, एक साथ मिलजुल के रहने के माहौल बनाने की बात करें, तो हम लोगों के मन की वो बात होगी और यही हम चाहेंगे कि आने वाली सरकार, चाहे जो भी चुन करके आए, वो करें। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, महिलाओं के लिए विशेष बजट बनाया जाए, महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था हो, उनको शिक्षा में 100% लिटरेसी हो और साथ साथ में जो शांति की प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाने में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की जाए। तो इन मांगों के साथ हमारा ये मैनिफेस्टो, वुमेनिफेस्टो आपके सामने है, पहली बार वुमेनिफेस्टो आपके सामने है। तो अब आपको